नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, अर्णब गोस्वामी की लाइव डिबेट में हुआ जबरदस्त हंगामा, तुझे पंखे से उल्टा टांग कर मारूंगा। अर्णब गोस्वामी के लाइव शो में बीजेपी के संबित पात्रा पर जमकर के भड़के हैं निशांत वर्मा। अब आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ब्रिटिश लेखक फिलिप स्प्रेट के हवाले से एक ट्वीट किया, जिसे लेकर के राजनीति काफी तेज हो गई है। गुहा के इस ट्वीट के अनुसार गुजरात आर्थिक तौर पर बहुत एडवांस है मगर सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, तो वहीं बंगाल में इससे उलट है, वह आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है मगर सांस्कृतिक तौर पर बहुत ही आगे है। गुहा के इस ट्वीट पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब एलिट ग्रुप के लोग भारतीयों को बांटना चाहते हैं। रामचंद्र गुहा के इसी ट्वीट पर रिपब्लिक टीवी पर लाइव डिबेट की गई। अर्णब गोस्वामी डिबेट के एंकर थे, तो वहीं पैनल में बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा थे और उनके सामने पॉलिटिकल एनालिस्ट निशांत वर्मा आए। दोनों के बीच इस मुद्दे पर काफी तीखी बहस हुई है। बहस में एक समय ऐसा आया जब संबित पात्रा ने निशांत वर्मा से ये कह दिया कि आप लोग गुजरातियों से इतनी नफरत क्यों करते हो। संबित पात्रा के इस कमेंट पर निशांत भड़क गए और कहने लगे कि झूठ बोलना बंद कर, नहीं तो बता रहा हूं तुझे पंखे से उल्टा टांग दूंगा। तो वहीं निशांत वर्मा से ऐसी प्रतिक्रिया सुन संबित भी बिपर गए और उनसे कहने लगे कि हाथ लगा के तो दिखा। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से हमला बोलते रहे लाइव टीवी डिबेट के दौरान। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, अर्णब गोस्वामी के लाइव शो में बीजेपी के संबित पात्रा पर जमकर के भड़के हैं निशांत वर्मा। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, राहुल गांधी का तंज, हर बार एक ही पागलपन किया जा रहा है और अलग अलग नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर के सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर चार ग्राफ पोस्ट किए हैं जिनमें दिख रहा है कि लॉकडाउन के चारों फेज में कोरोना के केस बढ़े हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि बार बार एक ही पागलपन करते हुए अलग अलग नतीजों की उम्मीद की जा रही है। आगे आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि भारत गलत रेस जीतने के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है, तो वहीं राहुल गांधी का कहना है कि लॉकडाउन का मकसद फेल हो चुका है। कोरोना संकट से निपटने के तरीकों और लॉकडाउन की टाइमिंग को लेकर के कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठाती रही है। सरकार ने जब अनलॉक एक का ऐलान किया तो राहुल गांधी ने कहा था कि अब कोरोना तेजी से फैल रहा है तो लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। लॉकडाउन का मकसद पूरी तरीके से फेल हो चुका है और देश इसके नतीजे भुगत रहा है। ये यहां पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दोस्तों क्या आप लोग राहुल गांधी की इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है, बीजेपी के ही सांसद ने उठाए मोदी सरकार पर सवाल, कहा विदेश नीति पर फिर से विचार करे मोदी सरकार। आप बीजेपी सांसद ने नेपाल सरकार की कार्रवाई पर की है मांग। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात के बीच भारत को इस वक्त सीमाओं पर चीन के बाद अब नेपाल से भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन पहले ही नेपाल की संसद ने भारतीय क्षेत्रों को अपने हिस्से में बताने वाले नक्शे को पास कर दिया है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया तो सामने आई है। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव करने की बहुत ही जरूरत है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में कहा है कि आखिर कैसे नेपाल भारत के क्षेत्र को अपना बता सकता है, उनकी भावनाओं पर ऐसा क्या आघात हुआ जो वे भारत से टूट जाना चाहते हैं, क्या यह हमारी नाकामी नहीं है, भारत की विदेश नीति को भी बदलने की जरूरत है। ये यहां पर मांग की है सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार से। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, लखनऊ अमेरिका की तर्ज पर CAA के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर के फेसबुक पर पोस्ट डालने वाला हुआ गिरफ्तार। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। अमेरिका की तर्ज पर राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी करने के मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है।
आप लोगों को बताते चलें, व्यक्ति ने 4 जून को फेसबुक पर पोस्ट डालकर सीएए के खिलाफ दोबारा विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए लोगों को पोस्ट के माध्यम से इकट्ठा करने की बात यहां पर कही थी, जिसके बाद यहां पर पुलिस ने उस व्यक्ति को कर लिया है गिरफ्तार। अपने पोस्ट में उसने अमेरिका में नस्लवाद को लेकर के हुए हिंसा का जिक्र करते हुए फिर से विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों को एकजुट होने की अपील की थी, लेकिन यहां पर पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, बिहार तेजस्वी यादव के बाद अब प्रशांत किशोर के निशाने पर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, घर से नहीं निकलने पर उठाए कई सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कोरोना त्रासदी के दौरान बिहार में हो रही चुनावी चर्चा को लेकर के नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए न केवल बिहार में कोरोना महामारी को लेकर किए जा रहे उपायों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सीएम नीतीश कुमार के घर से ना निकलने पर भी यहां पर चुटकी ली है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश में सबसे कम टेस्टिंग, 7-9% पॉजिटिव केस दर और 6,000 से ज्यादा केस के बावजूद बिहार में कोरोना के बजाय चुनावों की चर्चा है। 3 महीनों से कोरोना के डर से अपने आवास से ना निकलने वाले नीतीश कुमार समझते हैं कि लोगों के घरों से निकलकर चुनाव में भाग लेने में कोई खतरा नहीं है। ये यहाँ पर प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और घर से नहीं निकलने पर उठाए हैं सवाल। इससे पहले दोस्तों एक ऐसा ही हमला तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला था। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते सीमाओं पर तनाव है, ये यहाँ पर कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि देश एक और कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी ओर सीमाओं पर भी तनाव से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीजेपी सरकार इन दिनों पूर्णतया असहाय दिख रही है क्योंकि बीजेपी सरकार एकाधिकारी फैसले लेती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा क्षेत्र में 1 महीने से चीनी सेनाओं द्वारा अतिक्रमण भारत की संप्रभुता पर चोट है। चीनी विस्तारवादी नीतियों पर चल रहा है, भारत की प्रगति से उसे जलन है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अलावा अक्साई चीन पर भी चीन की निगाह है। इधर चीन ने भारत के प्रति जो आक्रामक रवैया अपनाया है उसमें एक मुख्य कारण व्यापार भी है। तो वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार विफल है, ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार तेजस्वी यादव का जोरदार हमला, किस बिल में छिपे हैं नीतीश, ढूंढने जाएंगे सीएम आवास। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीति गरमाने लगी है, सियासी पार्टियां एक दूसरे पर बयानों के तीर चलाने में जुट गई हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान ने सूबे का राजनीतिक पारा काफी ऊपर चढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने कोरोना संकट पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 90 दिन से कहीं गायब हैं और अब उन्हें ढूंढने वो खुद सीएम आवास जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कड़े तेवर दिखाते हुए नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमला बोला है और कहा है कि बिल में छिपे हुए हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि आज बिहार की जनता इस आपदा में त्राहिमाम कर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और सूबे के मुखिया किसी बिल में छिपे हुए हैं। आरजेडी दफ्तर पहुंचे तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई जोरदार हमले किए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। उन्होंने कहा कि अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है, विपक्ष को अब बिहार में अपनी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी, जनता के खातिर हमें सीएम नीतीश कुमार को हर हाल में खोजना ही पड़ेगा। ये तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अमेरिका में एक और अश्वेत को पुलिस ने मारी गोली, अमेरिका में भारी हिंसक प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चलें, अमेरिका में रंग भेद को लेकर के बवाल बढ़ता ही जा रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद फिर एक अश्वेत नागरिक पुलिस के हाथों मारा गया है, जिसने वहां रंग भेद के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन की आग में घी डालने का काम किया है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद अश्वेतों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को लेकर के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में और भी मजबूती आई है। आपको बता दें कि अटलांटा में अश्वेत नागरिक के मारे जाने के बाद वहां अशांति फैल गई है और जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, सरकार दे नगद राशि वरना मध्यम वर्ग हो जाएगा गरीब और पूंजीपति बनते जाएंगे देश के मालिक, ये कहना है राहुल गांधी का।
आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, देश भर में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से व्यापार और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वैश्विक महामारी की वजह से लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और कईयों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। ऐसी ही एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए एक सुझाव दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर सरकार ने अर्थव्यवस्था को शुरू करने के लिए नगद राशि खर्च नहीं की तो देश के गरीब तबाह हो जाएंगे और साठ गांठ वाले पूंजीपति देश के मालिक बन जाएंगे। ये यहां पर राहुल गांधी का कहना है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोरोना को लेकर के दोस्तों अपडेट ले लें। देश में संक्रमितों की संख्या 3,20,000 के पार, एक दिन में आए करीब 12,000 नए मामले, जो कि काफी चिंता की बात है। यहां पर आप लोगों को बताते चलें, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,20,000 के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,20,922 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 9,195 लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस से, जो कि काफी दुख की बात है, जबकि 1,62,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में बात करें तो 11,929 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 300 लोगों की मौत हुई है इस दौरान। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके, बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत